डब्ल्यूटीओ की कंडीशन में क्या करने जा रहे हैं। दिल्ली का एयरपोर्ट दुनिया का अकेला ऐसा एयरपोर्ट है जिसके पास 6000 एकड़ जमीन है, किसी एयरपोर्ट के पास में। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है सऊदी अरब में जिद्दाह में, उनके पास भी इतनी जमीन है, सिंगापुर के पास नहीं, अमेरिका के किसी एयरपोर्ट के पास इतनी जमीन नहीं, 6000 एकड़ जमीन है उनके पास। और उस पूरे एयरपोर्ट को प्राइवेटाइजेशन के नाम पर 1400 करोड़ रुपए में बेचने जा रहे हैं फ्रांस की एक कंपनी को। जबकि जिस स्थान पर यह दिल्ली का एयरपोर्ट है वहां एक एकड़ जमीन की कीमत इस समय 20 करोड़ रुपए है, एक एकड़ जमीन की कीमत 20 करोड़ रुपए जहां पर यह एयरपोर्ट है गुड़गांव दिल्ली के बीच में। 6000 एकड़ जमीन है, कितने का हो गया, 1,20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं 1400 करोड़ में, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर यह हो रहा है। और इसका माहौल कैसे बनाया है, दो साल से दिल्ली एयरपोर्ट के खिलाफ कैंपेन किया जा रहा है पूरे देश में हमारे ही मंत्रियों के द्वारा। यहां के कर्मचारी निकम्मे हैं, ये इनएफिशिएंट है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसमें ये तकलीफ है वो तकलीफ। अभी मैं थोड़े दिन पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर एक सभा संबोधित करने गया तो मैंने वहां के जनरल मैनेजर को कहा मुझे पूरा एयरपोर्ट घुमाओ। उन्होंने कहा क्या देखना चाहते हैं, मैंने कहा आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो टावर है ये मुझे देखना है। कहने लगे क्यों, मैंने कहा इससे अंदाजा लग जाएगा कि आपकी कीमत क्या है, आपकी ताकत क्या है, आपकी औकात क्या है। मैं ले गया, वो मुझे ले गए देखने के लिए। वो मैंने जो देखा और उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट्स का वर्णन करना शुरू किया और जो उन्होंने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, मैं दंग रह गया। दुनिया में इतना बेहतरीन एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर फ्रांस में भी नहीं है, जर्मनी में भी नहीं। उस अकेले टावर को अगर बेचे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो 600 करोड़ मिलता है और 1400 करोड़ में पूरा एयरपोर्ट बेचने जा रहे हैं। अब जनता को मालूम नहीं है दिल्ली एयरपोर्ट की विशेषता यह है, इनके पास 6000 एकड़ जमीन है। कल को समझौता हो जाएगा, अखबार में खबर आएगी दिल्ली एयरपोर्ट फ्रांस की कंपनी ने खरीद लिया। और कर्मचारी बेचारे मुंह बंद करके बैठे हैं क्योंकि सरकार के खिलाफ बोले कैसे, उनसे पगार पाते हैं सैलरी पर। और ये जो प्रॉपर्टी है, मैंने एक दिन उनसे पूछा कि अगर ये 6000 एकड़ जमीन इसमें इस्तेमाल कितनी हो रही है, तो उन्होंने कहा मुश्किल से इसमें 50-60 एकड़ जमीन इस्तेमाल हो रही है रनवे में और ये सब वगैरह, बाकी खाली पड़ी है। मैंने कहा इसमें खेती करना चालू कर दो तो साल का कम से कम 50-60 करोड़ का तो प्रोडक्शन यहां हो सकता है। तो उन्होंने कहा राजीव भाई खेती तो छोड़ो, हम यहां गोल्फ क्लब बना दें और उसमें एंट्री फीस रख दें तो साल का 1400 करोड़ तो हम इसी से कमा के दे सकते हैं सरकार को, गोल्फ कोर्स बना के। क्योंकि जितनी विदेशी फ्लाइट आती है ना, इंटरनेशनल फ्लाइट रात को अक्सर आती हैं, उनमें कई बार ऐसा होता है कि एक एक दिन वो लोग ठहरते हैं फिर दूसरी फ्लाइट पकड़ के वो गोल्फ खेलेंगे, फीस लगा दो, साल का 1400-1500 करोड़ उसी से आ सकता है। पूरा एयरपोर्ट इतने में बेच रहे हैं 1400 करोड़, और बिना किसी बिड के, माने कोई इंटरनेशनल टेंडर इन्वाइट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फ्रांस की कंपनी को सामने से बुला लिया। क्यों, समझौता हो गया सरकार का, कुछ लेन देन हुआ होगा उसमें। अब एक दिल्ली एयरपोर्ट बिकेगा, फिर बंबई बिकेगा, फिर सब बिकेगा। ऐसे सरकार की माने बेईमानी और हरामखोरी में देश की संपत्ति बिक रही है प्राइवेटाइजेशन के नाम पर, ग्लोबलाइजेशन। अब जनता इसमें बगावत कर सकती है जब उसको पूरी बात मालूम। जब मुझे पता चला दिल्ली एयरपोर्ट की वास्तविकता, मैंने दिल्ली की 4-5 मीटिंगों में कह दिया, लोगों का खून उबल गया, जी कैसे कर सकते हैं, हम देखेंगे सरकार को। अगर यही बात पूरे देश में प्रचारित हो जाए तो जनता खड़ी हो जाएगी, तो जनता